डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+7 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ रियल। तो आपको बताना है कि वन वन फंक्शंस है, मेनी वन फंक्शंस है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस है। तो आपको पहले बता चुका हूं मैं कि ये वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, मेनी वन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। तो आप देखोगे कि f ऑफ x आपका है f(4x+7)। तो आप देखेंगे कि एवरी वैल्यू ऑफ x, x की हर एक वैल्यू के लिए आपको इसका एक वैल्यू मिलेगा। डेट इज अगर आप इसको लिखते हैं कि डेट इज y इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं 4x+7, तो फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x वी विल गेट यूनिक वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है, यानी कि हर वैल्यू ऑफ x के लिए एक एक वैल्यू ऑफ y आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या है, हमारा ए ऑप्शन है, डेट इज वन वन फंक्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस क्या रहा आपका, कि डेट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिया हुआ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज, यानी f ऑफ x बराबर है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x इज, क्या होगा, वन वन होगा, मैनी वन होगा, बोथ a एंड b होगा, या नाइन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। तो आप देखोगे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ कि डेट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपको दिया गया है 2.5। तो अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच का है। तो 2 और 3 के बीच का अगर ये नंबर है तो हमें इसमें ग्रेटर, यानी कि एक्स एंड ग्रेटर, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पर होता, सपोज अगर आपका होता 2, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, अगर ये होता माइनस का 2.5, अब आप देखोगे कि ये क्या है, माइनस 2.5 और माइनस 3 के बीच में, तो माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में, तो माइनस 2 और माइनस 3 में ग्रेटर कौन है, माइनस 2, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो आपने देखा कि f ऑफ x ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू, जैसे आपने 2.5 रखा तो 3 आ रहा है, 2.6 रखोगे तो भी 3 आएगा, 2.7 रखोगे तो भी 3 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, डेट इज मेनी वन फंक्शन। ये आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन, मेनी वन फंक्शन। ओके, इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दे रखा आपको 3-4। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन है, नॉन वन वन फंक्शन है, और नॉन ऑफ दीज है। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले जानना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सपोज कीजिए कि ये कोई दे रखा आपको ए टू बी, तो अगर आप देखेंगे इसमें कि अगर हमने a से b के अंदर, अगर हमने a से b के अंदर ये मान लो a है और ये आपका b है, तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया सपोज 1, 2, 3, और इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है, सपोज करो ये a पॉइंट है, दिस इज b पॉइंट है, और दिस इज c पॉइंट है, राइट, और ये मान लो। तो अब आप देखोगे कि अगर इसका एवरी एलिमेंट, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ b एसोसिएटेड विद वन और अदर एलिमेंट, यानी बी के जितने भी एलिमेंट है सारे का रिलेशन जो है इस किसी न किसी के साथ, यानी बी में कोई बचना नहीं चाहिए, अगर बी के सारे का सारा रिलेशन इसके किसी न किसी के साथ है, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। तो आप देखोगे कि f ऑफ x क्या है, 3-4x है, और ये रियल टू रियल है, यानी आपको रियल लेना है तो रियल आएगा। तो आप देखोगे कि कोई भी ये जो अगर आपका फंक्शन होता, अगर आप इसको लिखते हैं
दैट इज y इक्वल टू 3। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे हमें ऑब्जेक्टिव के तरीके ही हमें फटाफट समझना और निशान लगाना, इसको पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि y दे रखा है आपका 3-4। अब आप देखेंगे कि x की हर एक वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिलेगा। अब आप देखोगे कि कोई भी वैल्यू अगर आप x का लेते हो रियल, तो आपको क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगा। तो जितने भी रियल वैल्यू होंगे a टू b, यानी b के अंदर जितने भी रियल वैल्यू होंगे उसका कोई ना कोई जो है किसी ना किसी a के साथ x के साथ उसका क्या होगा, रिलेशन होगा। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, a दैट इज ऑन टू फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब एंड करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन से, कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राइट। तो चलो चेक करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमें कह रहा है द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट। हमें कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू, यानी ए का ए के साथ अगर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, और आपको दिया गया ए के अंदर 106 एलिमेंट है। तो याद रखो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, कोई भी सेट के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट हो, सपोज एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर बात होगा तो आपका जवाब क्या होगा, एन फैक्टोरियल। यहाँ ए के अंदर क्या है, 106 एलिमेंट है, तो हमारा जवाब हो जाएगा 106 फैक्टोरियल एंड दिस इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, देन द फंक्शन g सच दैट f ऑफ g ऑफ x क्या है, g f ऑफ x के बराबर है। तो जैसा आप देख के देख सकते हो कि अगर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू है g f ऑफ x, तो आपसे पूछा गया है कि g ऑफ x क्या होगा। तो g ऑफ x के लिए आप देखोगे g ऑफ x क्या होगा, इनवर्स ऑफ फंक्शंस होगा, क्योंकि f ऑफ gx g f ऑफ x हो रहा है, यानी कि g ऑफ x क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x है। अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो आप ट्रिक जानते हो कि f ऑफ x को आपने y मान लिया, तो ये क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस b टू दी पावर दे रखा है 3। अब आप क्या करोगे, फटाफट x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो। तो सबसे पहले ये 3 साइड आएगा, तो ये बन जाएगा y टू दी पावर 1/3। b को यहां लाओगे तो ये बन जाएगा माइनस b, और ये क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ये पूरे की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, और ये क्या मिलेगा x। इसका मतलब हुआ कि आपका जवाब x बराबर, y को हम x में चेंज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि आपका ये जो फंक्शन हो जाएगा x बराबर, ये क्या हमारा हो गया g ऑफ x। इसका मतलब है कि g ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x टू दी पावर 1/3 माइनस b अपॉन में a, और इस टोटल की पावर हो जाएगी कितनी, ये पावर हो जाएगा आपका कितना 1/2, यानी कि ये जो स्क्वायर था ये रूट में कन्वर्ट हो गया। ये आपका राइट आंसर है। अब आप देखोगे ए बी सी में नहीं है, इसका मतलब डी में इसका ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में क्या है। तो डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये डी ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं एक्स टू दी पावर 1/3, इसको ऑप्शन को इसने गलत लिख दिया है, तो आप इस ऑप्शन को सही कर लें, और ऑप्शन सही करने का मतलब है कि ये आपका जो ऑप्शन है ये होना चाहिए आपका कि एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस में बी, और ये टोटल के नीचे ए है, इस पूरे की पावर क्या है, हाफ, तो दिस इज डी। सो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एफ आपको दिया जाए कि जी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ, इसका मतलब कि जो आपका जी ऑफ एक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो आप इनवर्स निकाल ले, वही आपका g ऑफ x हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, d, दिस इज करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन 6 में आप देखोगे ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है आपका कि डेट f रियल टू रियल, और g फंक्शन रियल टू रियल, h फंक्शन भी रियल टू रियल, और f ऑफ x दे रखा x स्क्वायर, g ऑफ x है tan x, h ऑफ x क्या दे रखा log x, then value of h of g of x
बराबर क्या होगा, एक्स इज पाई रूट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको बिल्कुल ट्रिक लगाना है, क्योंकि इतनी लेंथी नहीं बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ कि अगर हमसे पूछा गया है एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ, तो आप देखोगे कि अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखोगे ये आपको दिया गया एच ऑफ और ये क्या है जी एफ ऑफ क्या आ जाएगा एक्स, जी एच इंटू में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब आप देखोगे कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट करो इसमें, तो अगर आप देखोगे एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो एफ का एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स अगर आप लेंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये हमारा क्या है, दिस इक्वल टू आ जाएगा एच जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स होता है टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स स्क्वायर, राइट। अब आप जानते हो यहाँ पे क्या देख रहे हो, टेन एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स क्या है दे रखा है आपको पाई रूट, इट इज ए मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई के मल्टीपल में टेन की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, तो आपका टोटल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जीरो, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा जीरो। तो इसमें इतना ज्यादा टाइम आपको खराब नहीं करना है, आप देखते ही समझ गए कि टेन के मल्टीपल अगर पाई के फॉर्म में होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है जीरो, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा जीरो, तो इसका राइट आंसर हमारा गया जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है सेवन, एफ रियल टू रियल एंड जी ऑफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री एंड जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, देन आप वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछा गया है जिसके लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स 25, तो आप देखते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा, तो आप देखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, तो आप यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन और ये क्या दे रखा है 25, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन को आप क्या लिख सकते हो 2 into में क्या लिख सकते हो 2 into में आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस थ्री, ये दे रखा है 25। अगर आप वैल्यू निकालोगे फटाफट तो आपको क्या पता चलेगा 2x स्क्वायर है, दिस इज 14 प्लस 3 आ जाएगा 25। अगर आप निकालोगे x स्क्वायर तो क्या होगा 25, 14 प्लस 3 क्या 17, 25 माइनस 17 अपॉन में 2, तो आप देखोगे 15 में से 8 ये आ जाएगा 2, 4 या 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट 4, रूट 4 क्या होता है प्लस माइनस 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप इसको बिल्कुल जितना शॉर्टकट आप बना सकते हो इस हिसाब से आप देखते इसका जवाब लगा सकते थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 2, बिल्कुल सही जवाब है। चलो इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन में आप देखोगे दिस इज 8 क्वेश्चन, कह रहा है कि f natural to real है, f of दे रखा 2x minus 1, तो ये जो दे रखा आपका 2x minus 1 2, तो और ये दे रखा g, तो ये जो आपका दे रखा ये mistakes है, ये होना चाहिए आपका 2x minus 1 upon 2, 2x minus 1 upon 2, और ये दे रखा आपका g of x, तो कह रहा find करो g of it, ये भी जो लिख रखा है 32, ये भी by mistake है, ये होना चाहिए आपका 3/2, तो आप देखोगे कि आपको निकालना क्या है जी ओ एफ ऑफ 3/2, तो आप इसको लिख सकते हो जी एफ ऑफ 3/2, तो ये क्या होगा जी एफ ऑफ 3/2, तो ये जी ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ 3/2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 into में 3/2 माइनस 1 और नीचे आपका क्या दिया गया है डेट इज 2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा 3 minus 1, यानी ये आपका आ जाएगा 2/2, ये कट के क्या आ जाएगा g ऑफ 1, अब आप देखो ये आ जाएगा आपका g ऑफ 1, अब आप देखोगे g ऑफ x तो होता है x प्लस 2, तो g ऑफ 1 क्या होगा 1 plus 2, तो 1 plus 2 क्या होता है 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3, डेट इज ए ऑप्शन, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 3। ओके कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब बनाने का तरीका यही है, सिंपल आपसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है 2x minus 1, ये बाय मिसप्रिंट है 2x minus 1 अपॉन में 2 है और g ऑफ एक्स क्या है x plus 2, तो आपसे पूछा गया कि बताइए गॉफ ऑफ 3/2, यहाँ 32 लिख दिया था, यह 3/2, तो आप निकालने के लिए गॉफ 3/2 का मतलब g ऑफ g f ऑफ 3/2,
जी बाहर है, एफ ऑफ 3/2 निकालोगे तो एक पॉइंट तो आपको दे रखा है 2x माइनस 1y, तो x की वैल्यू 3/2 है, 2 इंटू 3/2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 काट दो, 3 माइनस 1 2/2 क्या जाएगा 1, तो g ऑफ 1। अब आप देखते हैं g ऑफ x क्या दे रखा है, x प्लस 2, तो g ऑफ 1 क्या होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, सो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका कि लेट फंक्शन ऑफ x x माइनस, ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आपका होना चाहिए कि x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। f कई जगह आप इस क्वेश्चन को देखा होगा, f ऑफ आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में, f ऑफ x क्या है x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1, तो कह रहा है बताओ f ऑफ x क्या होगा। तो बनाने का सेम तरीका है, आपसे ये पूछा गया है कि बच्चे बताओ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो f दे रखा है, f ऑफ x क्या है तो आपने देख रखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, फिर आप देखोगे कि f ऑफ x सेम है तो x की जगह अगर हम ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 1, तो x की जगह आ जाएगा आपका x अपॉन में x की जगह आप पुट करोगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, राइट। फिर नीचे यही बात होगी, x की जगह पुट करोगे x माइनस 1 x प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा प्लस 1, पर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा x माइनस 1 माइनस x माइनस, ये x प्लस 1 दोनों में कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस में आ जाएगा x प्लस 1, तो आप देखोगे ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 1 से ये कैंसिल, क्या मिलेगा आपको माइनस 2, आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस x क्या आ जाएगा 2x, तो आप इसको माइनस का 2 अपॉन में 2x, तो ये 2 से 2 काट सकते हो, तो ये क्या मिलेगा माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 1/x, तो ये हमारा आ गया माइनस का 1/, चलो इधर लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना माइनस का 1/x, तो आप देखोगे ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ये बी ऑप्शन भी बाय मिस्टेक है, इसका मतलब सेम है कि माइनस 1/x, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर दोबारा समझा रहे इस क्वेश्चन को, f ऑफ x दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, आपको फाइंड करना है f ऑफ x, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन x प्लस, पुट कर दिया, अब ये x टोटल हो गया तो हमें x की जगह ये टोटल वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1, अब आपको देखोगे कि इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, इसके नीचे भी 1 है, LCM x प्लस 1 x प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1, नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस में x प्लस 1, ये x x कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 नीचे 2x आ जाएगा, ये काट दोगे माइनस 1/x आ गया, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका, चलो चेक करते हैं 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x दे रखा है 1 माइनस, यहां भी मिस्टेक्स है, ये होना चाहिए 1 माइनस 1/x, तो आपसे पूछा गया है f ऑफ, ये भी जो है मिस्टेक है, ये होना चाहिए f ऑफ 1/x, राइट, तो आपसे ये पूछा गया, तो आप जानते हो कि अगर हमें इसको निकालना है f तो ऐसे ही रहेगा और f ऑफ 1/x, तो f ऑफ 1/x क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x है, तो 1 माइनस में 1/, ये आ जाएगा 1/x, ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा f ऑफ 1 माइनस x, राइट, अब आप देखोगे कि ये f ऑफ x, x की जगह क्या आ गया 1 माइनस, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x अपॉन 1 माइनस x लिखो या माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन में x माइनस 1, तो आपने देखा ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये
इसी का नाम है, ये आपका आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझाया है। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, मैथ के अंदर किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो आप सिर्फ उसी चैप्टर को भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। ये क्लास है, पेड क्लास होगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है उस तरह के टॉपिक को ही आप क्लियर कर सकते हैं, या अगर कोई कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स भी आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्री मैथमेटिक्स क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर हर न्यू तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में डालता रहता हूँ, वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।